नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सीआरपीसी की धारा 107 और 116 के संदर्भ में। जब न्यायालय द्वारा सीआरपीसी की धारा 107 और 116 के लिए नोटिस किसी व्यक्ति को आती है तो किस प्रकार से जमानत कराई जाए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीआरपीसी की धारा 107 और 116 है क्या, यह किस अधिनियम में आती है और इसको कौन लागू करता है। तो शुरू करते हैं। सीआरपीसी की धारा 107 और 116 जब दो पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा मारपीट होता है लेकिन किसी प्रकार का कोई चोट या आपराधिक मामला नहीं होता है तो ऐसे मामलों को के लिए दोनों पक्षों के बीच विवाद के कारण दोनों पक्ष जा करके पुलिस थाने पर शिकायत दर्ज कराते हैं। इसके पश्चात पुलिस द्वारा इस मामले को सीआरपीसी की धारा 107 और 116 के तहत सूचना देते हैं, मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सूचना देते हैं, जिसके जरिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के माध्यम से न्यायालय के द्वारा आपको एक सूचना आती है। सीआरपीसी की धारा 107 और 116 के तहत आपको सूचना दी जाती है, संबंध दिया जाता है, जिसके जरिए आप, क्योंकि न्यायालय को लगता है कि आप कोई शांति भंग करने वाले हैं, इसके जरिए से वह सूचना आपको दी जाती है, यह रिपोर्ट आपको भेजी जाती है, नोटिस आपको भेजी जाती है। तो चलिए आपको अब बताते हैं कि किस प्रकार से यदि नोटिस आ जाती है, न्यायालय द्वारा यदि नोटिस आ जाती है तो किस प्रकार से जमानत की जाए। तो सबसे पहले आपको एक वकील के थ्रू लीगल ड्राफ्टिंग कराई जाती है और लीगल ड्राफ्टिंग के साथ अपना वकील वकालतनामा के साथ और जमानती दस्तावेज संलग्न के साथ आपको वह पूरे डॉक्यूमेंट के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा और साथ ही साथ आपको प्रस्तुत करेगा, जिसके जरिए जमानत की जाएगी और जमानत होने के बाद आपको बरी कर दिया जाएगा। लेकिन नियत तिथि आपको दी जाएगी जिसके तहत उसमें बांड में जमानत में यह लिखा जाएगा, जिसके जरिए से कि आप 1 साल या 6 महीने तक आप कोई शांति व्यवस्था को भंग नहीं करेंगे। इस प्रकार आपको जमानत मिल जाती है, आप छूट जाते हैं और वो इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए आदेशित किया जाता है कि जिसके जरिए कि उसमें रियल में इसके क्या हुआ है, एक्चुअल में हुआ क्या है, कि क्यों इस प्रकार का कांड किए हैं, तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन होता रहेगा और आपको ये बेल में लिखा लिया जाएगा। यह लगभग 6 माह तक के लिए ये केस या प्रोसेस चलता रहता है। इसके बाद वो स्वतः यह केस खारिज हो जाता है। तो हमने सीआरपीसी की धारा 107 और 116 के बारे में समझा। यदि किसी प्रकार कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लीगल संबंधी जानकारी आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं विद्या लेखा।